हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस आंसर राइटिंग बैच में स्वागत है। और इसके अंतर्गत हम लाइव कॉपी चेक करते हैं, जिसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम जो बात आपको बताना चाहते हैं उसको आप अच्छे से समझ जाएं। और यहाँ आपके समक्ष हम ऐसे की कॉपी चेक करेंगे। कुछ लोगों ने ऐसे लिखा है, बहुत अच्छा ऐसे लिखा है, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक जो हमारे आंसर राइटिंग बैच में उनको दिए गए हैं उन पे उन्होंने ऐसे लिखा है, और उन्हीं के आधार पर हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ इसको चेक करें। ऐसे में एग्जाम में चेक करते समय मोस्ट प्रोबली कई लोगों से कॉलेज लेक्चरर प्रोफेसर जो चेक करते हैं उनके पास कोई भी ऐसे में चेक करेगा तो किन चीजों पे फोकस रखता है और किस तरीके से आपके ऐसे को आप बेस्ट लिख सकते हो, वो सारी चीजें हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले ऐसे में मैं आपसे बताता हूँ, ऐसे का टॉपिक को डिफाइन करना और टॉपिक को समझ पाना ऐसे का सबसे बड़ा काम है। तो यहाँ एक टॉपिक हमने दिया था कि जो व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ है वह जरूरी नहीं कि समाज के लिए भी सर्वश्रेष्ठ है। यानी कि व्यक्ति, देखो मेन चीज पॉइंट डिस्कशन कर रहा हूँ। देखो, या मैं आपको क्वेश्चन का मतलब, हम कोई भी चेक करने वाला हमेशा तीन चीजों पर फोकस, दो तीन चीजों पर फोकस करेगा कि एक तो आपका टॉपिक है उससे आप जुड़े हुए है या नहीं, दूसरा उसमें फ्लो है या नहीं, तीसरा उसमें कंटिन्यूटी है या नहीं। तो आपके ऐसे में चौथा आपका कंटेंट, और कंटेंट का मतलब वो टॉपिक से जुड़ा हुआ होना। ये बेसिक ऐसे के वो होते हैं जो आपको हमेशा ऐसे में चीजें ध्यान रखनी है। और सबसे पहले ऐसे के सारे आयाम आपने कवर किए नहीं है। ऐसे का आयाम क्या है? जो व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ है वह जरूरी नहीं कि समाज के लिए भी सर्वश्रेष्ठ हो। यानी एक है व्यक्ति के लिए है वह है, समाज के लिए नहीं। एक तो यह है। दूसरा ये भी हो सकता है इसमें आयाम कि व्यक्ति के लिए नहीं परंतु यह समाज के लिए सर्वश्रेष्ठ हो। और एक हो सकता है, मैं तीन तो आया, एक हो सकता है और एक हो सकता है व्यक्ति के लिए भी हो सर्वश्रेष्ठ। वह समाज के लिए भी सर्वश्रेष्ठ हो। इसमें सबसे ज्यादा फोकस हमें पहले आयाम पर करना है, दूसरे तीसरे आयाम हमने लिखने भी है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस हमें लिखना है, वो उदाहरण देना है जिससे साबित करना है कि जो व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है जरूरी नहीं कि समाज के लिए सर्वश्रेष्ठ हो। और वो चीज आपको एग्जाम्पल सहित इसमें देनी है। तो यही मेन टॉपिक है, इसी के आधार पर आपको लिखना है। ये मैंने लिख दिया थोड़ा सा, तीन चार आया वो आपको ध्यान रखना है। आप देखते हैं जिसने ऐसा लिखा है, 20वीं शताब्दी के आधुनिक युग में तकनीकी को संबोधन किया जा रहा है, विभिन्न प्रकार की तकनीकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सारी चीजें आप बता रहे हो, बिल्कुल अच्छी बात है। उस पर व्यक्ति की ये बात बताई, नजरिया ये है, परंतु सवाल यह उठता है कि क्या इतना सब लाभ समाज को भी है? सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है, ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन वाला थीम अच्छी होती है बट टॉपिक से जुड़ी होनी चाहिए। यदि हम इसे कैसे पर्यावरण के संदर्भ देखें, तो पर्यावरण के संदर्भ समाज में रहने वाला जितने अन्य शामिल किया जा सकता है इसमें कोई भी अधिकार नहीं है, शायद इसी को परिणाम है कि प्रकृति का अत्यधिक दोहन हो रहा है, मनुष्य करना चाहता है बिना समाज की अरवा के। शायद इसी की परिणति सीरिया, लीबिया युद्ध, भूकंपों में देखी जा सकती है, सिक्किम आने वाले बाढ़ के रूप में देखी जा सकती है। देखो ये ठीक है, मैं ये कहूंगा आप जो भी कंटेंट लिख लो ना, सबसे पहले इसका संदर्भ है वो टॉपिक से जुड़ो। कि भाई ये आप कहो इसमें कि देखो पहले से स्टार्ट करना है सिंपल सा कि आपका टॉपिक क्या कहना चाह रहा है। इसमें उदाहरण देकर के आप शायद सती प्रथा संबंधित उदाहरण दे सकते हो, सती प्रथा का उदाहरण दे सकते हो कि सती प्रथा अगर देखें तो समाज की एक बहुत बड़ी बुराई थी और व्यक्ति का सबसे बड़ा नरसंहार, मतलब व्यक्ति की सबसे बड़े व्यक्ति के लिए तो बहुत बड़ा खतरा था। इसलिए सती प्रथा का प्रतिशोध समाज व्यक्ति के लिए क्या था, अगर हम कहें तो सती प्रथा का प्रतिशोध व्यक्ति के लिए तो श्रेष्ठ था, लेकिन तत्कालीन सामाजिक नैतिकता के विरुद्ध था तो समाज के लिए जरूरी नहीं था। तो इस प्रकार जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ हो समाज के लिए भी सर्वश्रेष्ठ। तो वो आपसे, आप उस टॉपिक से स्टार्ट कर सकते हो जो भी चीजें, या आप चाहे तो कोई कहानी बना करके चीजें स्टार्ट कर सकते हो, रामायण महाभारत की चीजें को स्टार्ट कर सकते हो। बहुत बड़ा बढ़िया टॉपिक था, आप जिसमें व्यक्ति को इंपॉर्टेंट बता सकते हो समाज की बजाय, ये आपका पहला टॉपिक था। ठीक है, तो आपने जो भी लिखा है आप उसको टॉपिक से देखो। मनुष्य देखता देखना नहीं चाहता कि उसके पास आसपास अन्य लोग भी है। ये बात सही है कि व्यक्ति की, इसने एक पॉइंट इनका अच्छा लगा है मुझे कि व्यक्ति को स्वार्थीपन बताया गया, और व्यक्ति एक स्वार्थी होता है जो व्यक्ति के लिए जरूरी सर्वश्रेष्ठ हो समाज के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं होता। अब औद्योगिकरण की बात कर रहे हैं, ये कह रहा है व्यक्ति अपने हित के लिए कर रहा है, कई सुरक्षावाद कह रहे हैं कि ये भी अपने लिए कर रहे हैं, है ना? तो वो चीज है।
ऐसे समाज को नुकसान हो रहा है, गरीब आपका देश, ठीक है। या पॉइंट आपके थोड़ा सा, ये पॉइंट है आपके, ये पॉइंट गुड पॉइंट है आपके, मैच किए, अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा हम हिटलर की बात करें, अब हिटलर का स्वार्थ एवं समाज का परिणाम, ये बात सही जोड़ी, ये टॉपिक आपका जोड़ रहा है, अच्छी बात है, ये भी ठीक है आपका स्पेस। लेकिन देखो ये भी ऑक्सफोर्ड रिपोर्ट में कह रहे हो आप, ये भी अच्छा पॉइंट है आपने जोड़ा है। सवाल, एक व्यक्ति क्या सर्वश्रेष्ठ है समाज के लिए, सर्वश्रेष्ठ हो व्यक्ति को उत्तरदायी होता है, उन उत्तरदायी को पूरा करने की निस्संदेह किसी प्रकार की चीजें, भाई भारतीय ग्रंथों को भी इसमें प्रेरणा मिलता है, वासुदेव कुटुंब की वाद भावना है, ये भी ठीक है, ये पॉइंट आपका ठीक है। निष्कर्ष से कहा जा सकता है कि यदि सिर्फ स्वार्थों को पूरा करेगा तो कार्य करेगा श्रेयस्कर यही होगा आदर्श स्थिति में, ये बात ठीक है। संतुलन साधनों को साधते हुए, निष्कर्ष का पॉइंट है कि आप संतुलित आंसर दे रहे हो, अच्छी बात है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो एक तो कभी भी कॉपी में लिखो, प्लीज पेज जरूर छोड़ा करो ताकि हम उसको डिटेल से रिमार्क उसमें दे सके। अब देखो यहाँ पर सिंपल सा क्या है, देखो मैंने आपको कहना है कि कुछ लिखना क्या है, इसका सिंपल थीम है, कुछ ज्यादा निबंध में इतना कुछ सिंपल रूपरेखा तैयार करनी है। आपने क्या है कि आपका एक तो निबंध अभी छोटा है, आप सभी आयामों पर नहीं गए हो, है ना, जो भी आयाम लिखा है उसमें थोड़ा फ्लो की कंटिन्यूटी का अभाव है, पहले आपको क्या लिखना चाहिए था। जैसे अब आप यहाँ लिख रहे हो जो चीजें, जैसे सिंपल सी चीज है, एक दो आप यहाँ लिख रहे हो, ये बात लिख लो। अब सवाल ये होता है कि व्यक्ति के लिए क्या सर्वश्रेष्ठ, ये तो बात आपने पहले ही बता दी, ये क्वेश्चन यहाँ रिपीट नहीं होना चाहिए, ये वाली चीज ये रिपीटेशन है, पुनरावृत्ति से बचो। ठीक है ना, सबसे बड़ी बात है, ये तो लिखने का मतलब यह है, अगर मैं आपका प्लस पॉइंट बताऊं तो यह है कि समझ में आ गया आपको, समझ अच्छी है आपकी, ठीक है, प्रयास बहुत अच्छा है आपने, सारा आया प्रयास अच्छा है, विषय वस्तु के कुछ पॉइंट अच्छे हैं, ठीक है ना। आपको सुधारना क्या है, एक तो आयाम देने हैं, सेकंड आपको क्या करना है, आपको आयाम, आयाम का मतलब एक तो देना है व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ परंतु समाज के लिए नहीं, इसके एग्जाम्पल देने हैं आपको। अब एक ही चीज इसी पे ज्यादा फोकस करना है आपको, दूसरा आपको थोड़ा फ्लो पे फोकस, मतलब फ्लो पे फोकस करो, फ्लो पे फोकस करो, सीक्वेंस का ध्यान रखो, और विस्तार दो, ऐसे को विस्तार दो, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको थोड़ा स्पेस नहीं दिया, आपको बताता हूँ कैसे लिखना है, देखो सिंपल में ब्रीफ बताता हूँ इसमें कैसे लिखना है। इंट्रो में अगर आपको लिखना है, देखो कोई मॉडल आंसर नहीं, हम हर आंसर मॉडल होता है, बस दो तीन चीजें ध्यान रखने। इंट्रो में आपको पहले टॉपिक को डिफाइन करते हुए, करने वाली घटना, स्टोरी या कॉट से स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको सती प्रथा वाला दे रहा हूं, आप कोई और कॉट ले सकते हो जिसमें व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ रहा है और समाज के लिए चीजें सर्वश्रेष्ठ नहीं है, ठीक है ना, वो वाली चीज आप ले सकते हो। दूसरा आपको ये इसमें देना है, दूसरा इसमें फिर व्यक्ति क्या है और समाज क्या है, इन दोनों में संबंध, ये जरूर आपको देना है। फिर आपको मेन बॉडी माना है, मेन बॉडी के अंतर्गत आपको दो आयाम देना है, व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ, व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ समाज के लिए नहीं, उसके एग्जाम्पल देना है, फिर व्यक्ति के लिए भी है वह समाज के लिए भी सर्वश्रेष्ठ, यानी कि शांति, शांति का वातावरण समाज के लिए भी श्रेष्ठ है और व्यक्ति के लिए भी सर्वश्रेष्ठ है, और तीसरा जो समाज के लिए श्रेष्ठ परंतु व्यक्ति के लिए नहीं। इसमें 80% फोकस आपको इस पे करना है, 80%, ठीक है, 80% फोकस करना है। फिर आपको लिखना है इसमें, देखो मैं पूरा ऐसे का समरी बता रहा हूं, इसके बाद आप पे जाना है कि व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ है, ये अच्छी बात है, लेकिन व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ इन दोनों में संतुलन कैसे बनाए, ऐसा संतुलन कैसे बनाए जैसे व्यक्ति की सर्वश्रेष्ठ और समाज की सर्वश्रेष्ठ को बैलेंस बना रहे। इसमें एग्जाम्पल दो, पुट्टा स्वामी केस का दो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि
कि स्वतंत्रता के साथ साथ समानता जरूरी। समानता का मतलब समाज, स्वतंत्रता का मतलब व्यक्ति, ध्यान रखो। तो आपको लेना है उस पुरुषोत्तम समाजवाद वाली बात लेनी, वो सारी चीजें, और फिर निष्कर्ष लिखना है कि व्यक्ति को भी कुछ गिव अप करना चाहिए और समाज को भी कुछ गिव अप करना चाहिए, और दोनों को संतुलित होकर के दोनों का विकास करना चाहिए, क्योंकि समाज के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है और व्यक्ति के बिना समाज का भी कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि समाज व्यक्तियों से ही मिलकर बनता है और व्यक्ति समाज का ही पार्ट होता है। इस तरीके से इसका निष्कर्ष आप खत्म कर। तो जो मैंने बोला है उस पर फोकस करो, लिखा हो सकता है सारी चीज हम नहीं लिख सकते, इसलिए हमारी ऐसे की चेक करने का तरीका, हम इसी तरीके से आंसर राइटिंग को चेक करने का तरीका हमने यही अपनाया, ताकि आप उस चीजों में पूरे टॉपिक को डिस्कशन। तो अब ये टॉपिक में डिस्कशन कर दिया, इसी प्रकार के और ऐसे मैं इतना ज्यादा उसको डिटेल से डिस्कशन नहीं करूंगा, उसमें डायरेक्टली मैं कॉपी ही चेक, ठीक है। तो ये कॉपी, अगर उसमें नंबर की बात करें तो पहला प्रयास किसी ने किया, पहली बार उसने किया, अच्छा प्रयास किया, ठीक है, और अच्छा कर सकते हैं। थोड़ा सा दो चार चीजें हमें आपको बता रहे, कॉट भी यूज कर सकते हो, गांधी जी के कॉट डालो दो चार। अगला, ये हमारी कॉपी का बढ़िया लिखने वाला बंदा है, जो भी लिखता अच्छा लिखता है। देखो एक तो उनकी राइटिंग अच्छी, व्यक्ति के लिए जो सबसे श्रेष्ठ है वो समाज, वही टॉपिक, वही टॉपिक आप सभी जान गए, टॉपिक कोई अलग चीज नहीं है। बस अब इसी कॉपी देखते हैं, इसमें इसमें एक स्टोरी से स्टार्ट किया है कि जब चाणक्य मगध का शासक गणानंद के पास दरबार में भारत में मंडरा रहे सेल्यूकस निकेटर्स के खतरे से अवगत कराने गया। ये देखो थोड़ा देखो चीजें, देखो ये कहानी बहुत फेमस है तो इसमें सही लिखूं, सेल्यूकस निकेटर का खतरा नहीं था, वो था उस समय आपको खतरा था, इसके गुरु मतलब इसका राजा था सेल्यूकस निकेटर का, उसका सिकंदर से। देखो फेमस स्टोरी, गलत मत करना, ठीक है ना। ये बात अनसाई लोगों को द्वारा चाणक्य की बात को गंभीरता से नहीं लेते हुए उनका उपहास उड़ा दिया गया और उन्हें दरबार से अपमानित करके निकाला गया। यानी कि चाणक्य जो बात कह रहा है वो चाणक्य की बात है, व्यक्तिगत है एवं समाज राष्ट्र है तो हमें सामाजिक है, तो इसकी स्टार्टिंग में मान सकता हूं, ठीक है, ठीक है। दूसरी ओर एक उद्धव उन्होंने सती प्रथा को प्रतिबंध करने वाला राजा राम मोहन राय के संदर्भ में देखने को मिलता है, जब उन्होंने बिल्कुल समाज के सामने आने वाले रूढ़िवाद का समाज उनकी सहायता के बजाय उनके कार्यों को बाधा उत्पन्न। तो बिल्कुल ये पॉइंट अच्छा है ये अविंद, इन्होंने इसने क्या किया, दोनों पॉइंटों से फिर आपकी स्टोरी चालू किया और अच्छा पॉइंट किया, तो बहुत बढ़िया, ये मस्त लिया। इस मुश्किल में और अधिक जटिल प्रदान करती है अशिक्षा अल्पज्ञान सूझबूझ चलाने वाला बजाय, ठीक है, दूसरों को कहने पर चलने पर तरीका, ये ठीक है, ये कारण बता रहा है किस तरीके से मेच नहीं होता। पंचायत वेब सीरीज में सरस्वती की वास्तविकता इसी पर आधारित है, ठीक है। शिक्षा सोचने समझने की क्षमता, अब देखो यहाँ टॉपिक से आपने ऊपर बहुत अच्छा लिखा है, अब थोड़ा टॉपिक से डाइवर्जन जा रहा है, टॉपिक से भटकाव है, कैसे? टॉपिक कह रहा है कि जो व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ है वो जरूरी नहीं समाज के लिए श्रेष्ठ हो। अब आपको उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल देने के बाद आप इस बात को मानो कि हाँ व्यक्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है वो समाज के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं है, फिर आप कारण दे सकते हो संक्षिप्त में, लेकिन आप कारण को इतना विस्तार से मत दीजिए, ठीक है ना। तो इसको टॉपिक से थोड़ा भटका बोला है, थोड़ा सा वो चीज आपको ध्यान रखना, टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होना है, टॉपिक क्या कह रहा है उसे फोकस करना है। ऐसे कई अनैतिक अमानवीय कार्य हैं जो व्यक्तिगत स्तर पर एक व्यक्ति की मानसिकता के आधार पर सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं परंतु समाज के आधार पर नहीं। देखो आवाम जो पंचायत वाला जो उदाहरण दे रहे हो सरपंच पति, ये तो समाज के लिए श्रेष्ठ है, समाज इसको श्रेष्ठ मान रहा है, इसलिए अगर सरपंच पति का कॉन्सेप्ट व्यक्ति के लिए तो सर्वश्रेष्ठ है ही नहीं, व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ कैसे हुआ, उसमें तो महिला की स्वतंत्रता का दमन हो जाता है, महिला के अधिकारों का दमन हो जाता है, और जब महिला समाज की बाधाओं ने महिलाओं को ही दबा दिया तो व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ कैसे। तो टॉपिक को डिफाइन करना है, थोड़ा सा डाइवर्ट नहीं होना है, बहुत बढ़िया लिख रहे हो आप राजतंत्र में, ये बात गुड पॉइंट, अब आप एग्जाम्पल दें गुड, ये अच्छा है, ठीक है। जब हम बात करते जान चुके हैं कि एक व्यक्ति के लिए तो सबसे जरूरी नहीं को समाज, रिपीट मत करो, ये बात ठीक है, परंतु सिक्के के दो पहलू है, ये वाला गुड पॉइंट, ठीक है। स्टार्ट चाहे कोरोना में संपूर्ण मानवतावादी से राय हो गया, अर्थव्यवस्था दुर्दत हो गई, सामाजिक गतिशील, इन सभी में बीच मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कोरोना जैसा उनके परिणाम उभरते हुए समुदाय को समन्वित का प्रयास किया, पीएम केयर फंड की स्थापना की, ये बात सही है, ठीक है, ये भी ठीक है, बिना साया ये ठीक है, विकल्प है, विभिन्न व्यवस्थाएं समुदाय है, ठीक है।
जहां रहा है वहीं रहे, ठीक है। हालांकि इस बात का अनिवार्य रूप से सत्य नहीं है कि एक व्यक्ति और समाज के लिए जो सर्वश्रेष्ठ सदैव, एक व्यक्ति और समाज के लिए जो सर्वश्रेष्ठ वह सदैव नैतिक। तो अब बात आप तक है, एक व्यक्ति और समाज के लिए, अब आप दूसरे आयाम पे आ रहे हो, ठीक है ना। बात सही व्यक्ति वर्सेस समाज है ना, तो पहले नाम को बताना है जो व्यक्ति के लिए जरूरी है वो सही नहीं, समाज के लिए जरूरी है, दूसरा दोनों के लिए जो सही है, और तीसरा ऐसे। ये तीन संबंध आपको पूरे ऐसे में बताने। अब यहाँ हिटलर का दे रहा हूँ, हिटलर का उदाहरण दे रहा हूँ, नाजी बात भाई। हिटलर का उदाहरण तो केवल व्यक्तिवादी, हिटलर का जो साम्राज्य था वो पूरा व्यक्तिवादी था, वो हिटलर के केवल और केवल हिटलर सेंट्रिक था, तो वह समाज हिस्सा आई नहीं था, ठीक है। जैसे यहाँ क्या कह रहे हैं आप, यदि एक व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ समाज के लिए, समाज के लिए भी हो, क्योंकि यह सत्य नहीं है, ये बात सही है, समाज के लिए भी हो और व्यक्ति के लिए भी हो वो जरूरी नहीं, ये बात सही है पॉइंट, ठीक है। ये हाँ ये पॉइंट गुड पॉइंट, ये अच्छा है, इन दोनों में संतुलन बना रहा है, ठीक है। देखो अच्छा है आपका, ऐसे है अच्छा है। देखो प्लस पॉइंट में बताऊं तो समझ अच्छी है, प्रस्तुतिकरण अच्छा है आपको, वैसे वस्तु भी अच्छी है, स्टार्टिंग भी अच्छी है आपको, निष्कर्ष भी अच्छा है, थोड़ा मेन बॉडी पे काम करो, डाइवर्जन मत हो, ठीक है ना। दूसरा टॉपिक से भटकाम नहीं। तीसरा आपको किस पे ध्यान देना है, टॉपिक से भटकाओ नहीं, एक ध्यान देना है आपको टॉपिक से भटकाओ नहीं, एक ध्यान देना है आपको आयाम दो थोड़े से तथा विस्तार दीजिए ऐसे, ठीक है। इस तरीके से करोगे तो अच्छा है आपका, ऐसे बहुत शानदार लिखते हो आप, इसको कंटिन्यू रखिए, ठीक है। अगला ऐसे और चेक करते हैं, ठीक है। ये भी शायद इन्हीं का ऐसे है, राइटिंग सेम लग रही है इनका, अच्छे काफी इंप्रूवमेंट किया है इनकी उसने। एक ऐसे है बहुत शानदार, ऐसे यूपीएससी ने पूछा, उसी को हमने यहाँ टॉपिक के रूप में दिया था। देखो तो ऐसे कोई भी हो, आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि आप ऐसे के टॉपिक को समझ जाओ। जैसे पिछले टॉपिक में आप समझ गए क्या था, इसमें देखते हैं। जहाज अपने चारों ओर पानी के कारण से ही डूबता, जहाज पानी के कारण डूब जाता, जहाज पानी जो उसमें मिल जाता है, ये ऐसे का टॉपिक था, 125 मार्क्स का, यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था। देखो ऐसे की बेसिक थीम आपको मैं बताता हूँ, बेसिक थीम अगर मैं आपको एक कॉमन लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो बेसिक बेसिक थीम है लंका, जो विभीषण वाली स्टोरी है ना, कि लंग मैं भूल गया। बेसिक थीम इस एसओ की है कि अरे मैं स्टोरी भूल गया, विभीषण वाली कहानी है कि विभीषण की वजह से लंका चली गई, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है, इसका मेन थीम ये है कि व्यक्ति का विनाश बाह्य कारकों से नहीं, बल्कि आंतरिक कारकों से होता है। यानी कि व्यक्ति, एक व्यक्ति को उदाहरण दे दो इसमें, फिर ऐसे समाज, ऐसे राज्य, ऐसे दुनिया, इन सब का विनाश बाह्य कारकों से नहीं, इनका पतन बाह्य कारकों से नहीं, बल्कि घर का भेदी लंकड़ है, ये वाला टॉपिक है, घर का भेदी लंकड़ है, यानी कि आंतरिक कमी की वजह से ही व्यक्ति का विनाश होता है। यही कह रहा है कि जहाज इसलिए नहीं डूबता कि उसके पास चारों ओर पानी, बल्कि जहाज इसलिए डूबता है जब जहाज में बीच में से छेद होने लग जाता है, नाव में बीच में से छेद होने लगता है, तो नाव के पानी से ही जहाज डूबता है, समुद्र के पानी से नहीं डूबता। तो ये कहने का मतलब है कि जितने भी साम्राज्यों का पतन हुआ है उन सब का कारण यही है, तो उनका आंतरिक कलह की वजह से। तो आप इनके उदाहरण दीजिए, सामाजिक उदाहरण, व्यक्ति के आधार पर उदाहरण, राज्य के आधार पर उदाहरण, इतिहास में उदाहरण दीजिए, वैज्ञानिकों में उदाहरण दीजिए, तकनीकी पर उदाहरण दीजिए, कल्चर में उदाहरण दीजिए, बहुत सारे कल्चर अपने आंतरिक अंतर्द्वंद की वजह से ही पतन हो।
यही ऐसे का बेसिक टॉपिक है, मैंने आपको थीम बता दी ऐसे के इर्द गिर्द, तो आपको ऐसे जाना चाहिए। अब देखते हैं विश्व इतिहास में सर्बिया तथा ऑस्ट्रिया के मध्य एक विवाद देखा है, साथ ने अवसर प्रदान किया, पर दूसरी ओर अक्सर यह पानी की भांति भी था जो इन जहाज रूपी राष्ट्रों को डुबाने में सहायक भी रहा। ये बिल्कुल सही बात है, अच्छा पॉइंट। यूरोप का विनाश क्यों हुआ? यूरोप का युद्ध की वजह से विनाश। सर्बिया का विनाश क्यों हुआ? प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने की वजह से। ऑस्ट्रेलिया का विनाश क्यों हुआ? प्रथम विश्व युद्ध में स्टार्टिंग पॉइंट की वजह से। तो बोला है कि सर्बिया, ऑस्ट्रिया, हिटलर, इनका विनाश इसलिए नहीं हुआ कि कोई बाह्य कारकों ने इसका विनाश किया, बल्कि अपने खुद के कर्मों से हुआ है विनाश। तो ये अच्छा स्टार्ट है, ठीक है, ये पॉइंट अच्छा है। प्रथम विश्व युद्ध की घटना इस दौरान व्यक्ति स्पर्श करती है, ये अच्छा पॉइंट स्टार्ट कर दिया। फिर आपने व्यक्ति को लेके आगे, ठीक है ना, ये बात, ये भी गुड पॉइंट। आज उपभोक्तावादी से जुड़ गए हो आप, ठीक है। अब देखो कभी भी ध्यान रखो उदाहरण को इतना विस्तार मत दो कि आपके उदाहरण बहुत कम हो जाए। अब आप ऊपर से नीचे तक उदाहरण दे रहे हो, तो उपभोक्ता वाले उदाहरण को संक्षिप्त करो। और हर आयाम में एक उदाहरण दो, व्यक्ति के बारे में उदाहरण दो, समाज के बारे में उदाहरण दो, क्योंकि बहुत उदाहरण। क्योंकि व्यक्ति का अगर मैं उदाहरण दू, कोई भी व्यक्ति है, तो किसी भी व्यक्ति का विनाश किसकी वजह से होता है? जैसे रावण का विनाश किसकी वजह से हुआ? उसके अहंकार की वजह से। रावण का विनाश उसके रावण में, रावण देखो आप सोचे, रावण को इतना बड़ा ब्रह्मा का वरदान था कि कोई भी व्यक्ति उसको, मतलब ये था कि कोई देवता नहीं मार सकता, कोई राक्षस नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता, लेकिन ब्राह्मण के अहंकार ने ब्रह्मा से वरदान मांगते समय गलती कर दी। उसने, ब्रह्मा ने समझाया भी था कि व्यक्ति, उसने बोला व्यक्ति तो छोटा मोटा आदमी, वो मेरे को कैसे मार सकता है, तो मुझे व्यक्ति से डर नहीं है, और उसको मानव ने ही मारा था। तो इसी प्रकार से ब्राह्मण का अहंकार ने रावण को खत्म कर दिया। समाज की बात करें हम, तो आप देख सकते हैं ब्राह्मण धर्म का 6ठी शताब्दी में पतन होने के पीछे कारण क्या था? ब्राह्मण धर्म की कुप्रथा। बाद में 8वीं 9वीं शताब्दी में जो बौद्ध धर्म का पतन हुआ, उसके कारण क्या था? बौद्ध धर्म की कुप्रथा। तो हर समाज का पतन के कारण उस हर समाज की आंतरिक कुप्रथाएं, आंतरिक, वो एग्जाम्पल देना। अगर यही एग्जाम्पल मैं राज्य के लेवल पे लेके जाऊं, तो यूरोप का पतन होने का कारण, सर्बिया का पतन होने का कारण उसके आंतरिक कलह थे, प्लासी के युद्ध के हारने का कारण आंतरिक कलह, मराठा युद्ध क्यों हारे? आंतरिक कलह की वजह से। आंग्ल और जो पंजाब युद्ध हुआ था, उसमें पंजाब क्यों हारा? आंतरिक कलह की वजह से। तो पंजाब इसलिए नहीं हारा कि अंग्रेज बाहर से शक्तिशाली थे, पंजाब इसलिए हारा क्योंकि वो आंतरिक रूप से शक्तिशाली नहीं था, कमजोर था। यही ऐसे का बेसिक टॉपिक है दोस्तों, ऐसे कोई टिपिकल नहीं। बस इसमें आप कितने एग्जाम्पल दे, तो व्यक्ति हो गया, समाज हो गया, अब मैं आपको एग्जाम्पल क्या दूं? ये हो गए व्यक्ति, समाज, और अगर कोई राजनीतिक पार्टी है, उसका पतन होने के कारण ही होता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता से बाहर इसलिए नहीं होती कि उसको जनता नहीं चाहती, कई बार उसका बाहर होने का मेन कारण होता है उसकी आंतरिक कार्यकर्ताओं में संगठन में कमजोर है, और यही एग्जाम्पल्स में दिए गए। पर्यावरण का पतन, व्यक्ति का पतन क्यों हो रहा है? व्यक्ति उपभोक्तावादी हो गया, इसलिए व्यक्ति का पतन हो रहा है। व्यक्ति उपभोक्तावादी हो गया, पैसे के पीछे भाग रहा है, रस रेस की दौड़ में भाग रहा है, तो ना तो व्यक्ति को घर का परिवार दिख रहा, ना खुद दिख रहा, और व्यक्ति खुद आत्महत्या हो रही है, सुसाइड हो रही है। इसका कारण क्या है? व्यक्ति ये खुद के कर्म। जब व्यक्ति जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखेगा, आकांक्षा रखेगा, उस आकांक्षा का हमको काम नहीं करेगा, तो उसको भुगतना ही पड़ेगा, यही चीज है। इसलिए यही इसमें एग्जाम्पल होना चाहिए, ठीक है। तो आपके उदाहरण अच्छे, बट उदाहरणों को विस्तार मत दो, उदाहरण को छोटा लिखो और रिपीट मत करो। मैं फिर कह रहा हूं, रिपीट मत करो टॉपिक, ठीक है। हाँ ये अच्छा है, गुड पॉइंट। आप राज्य पे लेके आ गए, श्रीलंका का पतन के पीछे श्रीलंका का कारण था, श्रीलंका में आर्थिक जो संकट आया उसके पीछे श्रीलंका जिम्मेदार था। भाई उसको क्या जरूरत थी कि प्राकृतिक खेती को कंपलसरी कर दिया जाए? अरे तेरे पास खाद्यान्न की कमी है और तू प्राकृतिक खेती को कंपलसरी कर रहा है, उस लायक तेरे पास तकनीक नहीं है, उस लायक तेरे पास हथियार नहीं है, उस लायक संसाधन नहीं है, और बड़ा बनने चला गया कि नहीं हम तो बायो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पर फोकस करेंगे, बर्बाद हो गए। फिर श्रीलंका को इतना बड़ा सपना हम्बन टोटा का चीन ने दिखा दिया कि श्रीलंका सपने में खो गया, और चीन से हम्बन टोटा बनवा करके खुद चीन से हम्बन टोटा चीन को दे दिया। तो श्रीलंका खुद की कर्म वजह से खोया, क्या जरूरत थी उसको हम्बन टोटा बनवा,
क्या जरूरत थी उसको बायो ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक खेती को कंपलसरी करने की? समय के साथ करता, धीरे धीरे करता। पाकिस्तान का डूबना किसकी वजह से? खुद पाकिस्तान की वजह से। तो हर देश का विनाश खुद की वजह से हो रहा है, और बस जब देश का विनाश खुद की वजह से होता है तो देश के राष्ट्राध्यक्ष अपनी राष्ट्रवाद की भावना को जगा करके वो किसी और पे थोपना चालू कर देते हैं कि पाकिस्तान का विनाश किसकी वजह से हो रहा है? भारत का वजह से। भारत का विकास किसकी वजह से रुका हुआ है? पाकिस्तान की वजह से। हर देश ऐसे ही करता है। इसलिए एक महान विचारक का मैं कोटेशन कर देता हूँ, टी एच ग्रीन नाम के महान विचारक थे, मतलब महान पॉलिटिकल साइंस के विचारक थे। टी एच ग्रीन ने एक बात बोली थी कि जब भी कोई देश का शासक, चाहे वो लोकतांत्रिक देश हो चाहे वो राजतांत्रिक देश हो, जब भी किसी भी देश का शासक अपने जनकल्याणकारी और शासनकारी कार्यों में पूर्ण करने में असफल होगा, अपने शासनकारी कार्यों, जैसे लोकतंत्र से जनता कल्याण करना, रोजगार देना, आर्थिक विकास करने में, जब जब सरकार असफल होगी, सरकार ध्यान डाइवर्ट करने के लिए राष्ट्रवाद को आगे बढ़ा दे। ये बात सही है। राजा भी यही काम करता था, आज भी यही काम करता है। जब सरकार पे विकास मुद्दा नहीं होता, कोई भी सरकार हो, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा, हर सरकार का यही काम होता है, जब वो विकास के मुद्दे से अपने आप को दूर रखती है तो राष्ट्रवाद की भावना बढ़ा करके और लोगों को वोट दिलाने की, लोगों में राष्ट्रीय भावना चली जाती है, उस देश का विनाश फिर हो जाता है। यहूदियों का मतलब हिटलर का विनाश क्यों हुआ? जर्मनी का विनाश क्यों हुआ? जर्मनी का विनाश जर्मनी के कर्मों की वजह से। तो यही ऐसे का टॉपिक था, आपस में मल्टी डायमेंशनल ऐसे देख सकते। श्रीलंका, ठीक है, देखो श्रीलंका बहुत बढ़िया जैसे लिखा है आपने। ये एग्जाम्पल अच्छा है। ठीक है, ये भी अच्छा है। अच्छा, निष्कर्ष लास्ट में बहुत बढ़िया किया, निष्कर्ष अच्छा है आपको। देखो एक चीज और ध्यान रखना आपने, बहुत अच्छा है कि आपने लास्ट में जाकर के चीजों को जोड़ दिया। यदि इस विश्व को, दुनिया को बचाना है, क्योंकि तो दुनिया को बचाना है तो दुनिया को सतत विकास पर फोकस करना होगा, पर्यावरण पर फोकस करना होगा, गरीबों का कल्याण पे, विकासशील देशों की सहायता करनी होगी, तभी इस देश का विकास हो सकता है। इसलिए हमें वन फैमिली वन फ्यूचर के नाम से ही हमें चीजों को आगे बढ़ना है। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, अगर गरीब देशों का पतन होगा तो अमीर देश भी ज्यादा दिन तक नहीं बचेंगे। इसलिए अमीर देशों को ये बात बिल्कुल याद रखनी चाहिए कि अगर हमारा विनाश को बचाना है तो गरीब देशों का विकास करना बहुत जरूरी है। तो आपने निष्कर्ष बहुत बढ़िया लिखा है। थोड़ा सा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे में थोड़ा विकास विस्तार दीजिए, आपका ऐसे थोड़ा शॉर्ट हो जाता है भाई, कोई कमी नहीं है आपके ऐसे, बहुत अच्छा ये पॉइंट अच्छा है। तो प्लस पॉइंट है आपका, विषय वस्तु अच्छी है, प्रस्तुतिकरण अच्छा है, कंटेंट कंटेंट गुड है आपका, फ्लो अच्छा है, समझ अच्छी है ना, थोड़ा विस्तार हो गया, ठीक है। हाँ अगला है, अब वही टॉपिक है जो मैं आपको समझाने की बात कर रहा था, वही टॉपिक इसमें। जहाज अपने चारों ओर पानी के कारण नहीं डूबता, बल्कि जहाज की वही है, चाहे मिट्टी चाहे रिट्टी, जिनको कुछ भी नहीं चाहिए वह सेंसा है। कभी की ये बात सत्य साबित होती है, जिस व्यक्ति को किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती उसे सुखी आदमी कौन है? जो व्यक्ति भोगविलास में है वह भेजाता है साम्राज्य में, इतिहास में भी होते हैं बहुत। ये बात बिल्कुल सही, इसने व्यक्ति के स्तर पर कहा है कि व्यक्ति अगर खुश रहना चाहता है तो खुद के कर्मों से ही खुश रह सकता है। उसको आजकल आपने देखा होगा, कोई भी व्यक्ति दुखी क्यों है? वो व्यक्ति अपने आंतरिक जेलस की वजह से दुखी, पड़ोसी पड़ोसी देख के दुखी, दुखी है, इसके पास गाड़ी है मेरे पास नहीं है, दूसरे से तुलना करके दुखी है, इसके पास बाइक है मेरे पास बाइक नहीं है, क्या जरूरत है तुलना करने? जैसे समाज में हो वैसे ठीक है, अपना विकास सोचिए, अपना वृद्धि कीजिए, आप कभी दुखी नहीं रहोगे, अदरवाइज तुलना में कभी आप आगे नहीं निकल पाओगे। आज कोई अंबानी है तो कल कोई अडानी आ जाएगा, कल कोई अडानी है तो परसों कोई बिल गेट्स आ जाएगा। अगर आप कंपेयर से लाइफ में जिए तो कभी सुख नहीं रहोगे। आपको कंपेयर करना चाहिए सकारात्मक, जिससे आपका विकास हो। आपको कंपेयर कभी नकारात्मक नहीं करना है, नकारात्मक तुलना आपको विनाश की ओर ले जाती, गलत कामों की ओर ले जाती। आजकल लोगों को देखा है,
और आज का सोशल मीडिया है, लोग मूवीज देखते हैं, लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेब चीजें देखते हैं और वहां से सीखते हैं। उस एक्टर ने ऐसी एक्टिंग करवा रखी है, उस एक्टर की ये कटिंग, उस एक्टर ने इतना महंगा जीन्स पहन रखा है। अरे अपनी औकात में देखो, वो तो करोड़ों रुपए कमाता है, आप कितने कमाते, क्यों तुलना करें इससे, क्या जरूरी है? और फिर उसके लिए लोग, कुछ लोग अपनी मेहनत से कमा भी लेते हैं, कुछ लोग 2 नंबर का काम, और इसीलिए समाज में बुराइयां पैदा हो। ठीक है, अच्छा लिख रहे हैं आप, ये धर्म वो ग्लास चीजें पॉइंट, ठीक है। देखो एग्जामिनर को तुरंत पॉइंट पता रहता है कि आप क्या लिखने जा रहे हो, तो एग्जामिनर के लिए टिपिकल नहीं है कि हम 50 तो ऐसे चेक करने के बाद मुझे इतना पता लग गया कि कैसे ऐसे चेक करना है। एग्जामिनर तो इतना ज्ञानी होता है, उसको तो यही काम रहता है जिंदगी भर, उसने अब तक यही काम किया होता है, तो वो पकड़ लेता है आपकी कॉपी तुरंत, किया कहाँ पॉइंट आपका सही था, कहाँ आपने मिस कर दिया। ठीक है, अच्छा जब संक्षिप्त करो एक किसको, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक पॉइंट है आपका, समझ, हाँ आपका है टॉपिक में समझ। गुड पॉइंट, आप समझ गए, अच्छा, मतलब समझ गए, ठीक गुड, मतलब टॉपिक से जुड़ा हुआ है चीजें, जलवायु परिवर्तन को बदला दिया दुनिया को बाद, ठीक है बिल्कुल, जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ वो बात उसने बोली, महात्मा रिपीट मत करो, महात्मा बुद्ध दर्शन एक बार बोल दिया, दोबारा रिपीट मत करो उसको, ऐसे आपने अच्छा लिखा है, मतलब आप समझ गए थे, लेकिन थोड़ा सा ठीक है। देखो इस ऐसे में क्या चीज है, अगर मैं आपको बताऊं, आपका प्लस पॉइंट यह है कि आप समझ गए ऐसे को कहना कैसे, ठीक है ना, प्रयास अच्छा है आपका कि आपने शायद पहली बार या दूसरी बार लिखा है, प्रयास अच्छा है, ठीक दूसरा ना एग्जाम्पल, स्टार्टिंग का प्रयास अच्छा है, देखिए क्या कर, अब आपको करना क्या है, क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो थोड़ा सा ना सिक्वेंसिंग का ध्यान दो, रिपीटेशन से बचें, आयाम दें कि भाई ये बात तो चाहिए कि व्यक्ति आंतरिक कलह से डूब, मतलब आंतरिक कारकों के बीच डूबता है, कई बार बाह्य कारक व्यक्ति को डुबा ले जाते हैं, वो थोड़ा सा दे सकते हो, निष्कर्ष वो वर्तमान से जोड़ सकते हो, और ऐसे को विस्तार दो थोड़ा, ठीक है ना, अच्छा लिखा है इस बार आपने, मतलब अच्छा है आपका टॉपिक, समझ में आ गया आप क्या कहना चाहते हैं, ठीक है आगे देखते हैं। ये आचार संहिता का एक क्वेश्चन, जो आचार संहिता बहुत कला बड़ा मुद्दा चल रहा था उसी को लेकर के था, असमान नागरिक संहिता है ना, उसको समान नागरिक संहिता को लेकर क्वेश्चन था ये, तो समान नागरिक संहिता देश के सभी नागरिक, ये तो सही है, ठीक है स्टार्टिंग से कर सकते हो, बाकी इसको स्टार्टिंग करना है ना आपको, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ, क्लास 11th की या 12th, 11th की एनसीईआरटी है, और क्लास 11th की एनसीईआरटी का पहला टॉपिक आप पढ़ोगे संविधान की जरूरत क्यों,
उसमें आपको पता लग जाएगा कि कानून की जरूरत क्यों। तो वहीं आप पढ़ना कि समाज विविधतापूर्ण है और विविधतापूर्ण समाज के रीति रिवाज अलग अलग हैं, उन रीति रिवाजों में समरूपता बनाने के लिए एक कानून आवश्यकता है, वहीं से आप समान नागरिकता का संदर्भ दे सकते थे। इसलिए मैं हर बार आपसे बोलता हूँ, आप लोग इसके महत्व को पता नहीं कितने लोग समझ पाते नहीं समझ पाते। एनसीईआरटी ज्ञान का भंडार है, यूपीएससी का दरवाजा है, बशर्ते शर्त एक कंडीशन ये है कि उसका यूज करना आपको आना चाहिए, नहीं तो पढ़ते बहुत दुनिया है उसमें, ठीक है ना। बहुत सारी कोचिंग्स पढ़ाती है, सब अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन उसका यूज करना आपको आना चाहिए। इसलिए ठीक है, आप यहाँ से डिफेंड कर रहे हो उस टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं, कुछ लोग माने विभिन्न धर्मों का, ठीक है। हाँ देखो, सबसे बड़ी बात है इस टॉपिक को कैसे लिखना है। सबसे इस टॉपिक में दो तीन चीज आएंगे, यू सी सी आप क्या है, संदर्भ सहित इसको व्याख्या करें, ठीक है। सेकंड मेन ओडिम जाना है, यूसीसी क्यों, यूसीसी कैसे, यूसीसी को चुनौतियां, फिर विकल्प, समाधान और निष्कर्ष। ये इन चार पांच टॉपिकों के इर्द गिर्द आपका टॉपिक होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो, अब आप यह बता रहे हो, यहाँ चुनौती बता दी, सबसे पहले आपको बतानी चाहिए यूसीपी की जरूरत क्यों। सबसे पहले बताओ क्यों, इसको लाना क्यों चाहते हो, फिर बताओ उसको कैसे लाएंगे, फिर बताएंगे इसमें चुनौतियां क्या है, चैलेंजेस क्या है, फिर उन चैलेंजों को समाधान के लिए आपके पास विकल्प क्या है, वो सारी चीजें आपको लेके आनी, तब जाके आपका ऐसे पूरा होगा। इसका मॉडल आंसर आपको शेयर कर देंगे, आप देख लेंगे। तो आपको एक में चुनौती लिख लिखो, धार्मिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, वर्ष एक कानून। एक चुनौती सबसे बड़ी है कि हमारे यहाँ विविधता बहुत है, एक कानून अमेरिका में एक कानून चल जाएगा, लंदन में एक कानून चल जाएगा, भारत में नहीं चलेगा। भारत में हर समाज का अलग कानून है, और भारत में हजारों समाज है, हजारों कल्चर है भारत में, और हर कल्चर का अपना एक कानून है। और एक और आप उनको कल्चर की स्वतंत्रता देते हो, दूसरी ओर उनको एक रूप करके दबाव देना चाहते हो, इसलिए समस्या है, ठीक है। चुनौती आप सही बता रहे हो, ठीक है। सही है, धर्मनिरपेक्षता की चाहते रही है, ठीक है। ये पहले आना चाहिए कि क्यों, देखो ये है पहले आ, ऐसे का देखो सिक्वेंसिंग मत तोड़ो, पहले कोई चीज क्या, फिर कोई चीज क्यों, फिर कोई चीज कैसे, फिर उसका समाधान, वो सारे चीजों पे सिक्वेंसिंग पे फोकस करो, ठीक है ना। आप ऐसे नहीं है कि मतलब सिक्वेंस को तोड़ो, सिक्वेंस को तोड़ोगे मामला गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे ये चीज हमेशा याद रखना। अगर आपने सीक्वेंस तोड़ी मामला गलत, और उसी से आपके नंबर कम पड़ा, इसलिए कभी भी सीक्वेंस को मत तोड़, कभी भी आप सीक्वेंस को नहीं तोड़ रहे। अब बला तला मैं समाज से आप पैसा प्रदान करेगी, पैसा करेगी, सही बात है। ये आप कारण बता रहे हो, इसको पहले लो, किसी जरूरत क्यों, ठीक है। समान नागरिकता प्रथाओं को समाज पर मान्य अधिकार करेगी, और थोड़ा ना पैराग्राफ इतना भी नहीं, दो लाइन का पैराग्राफ कर दो, कम से कम चार पांच छह लाइन का पैराग्राफ, ठीक है। कोई आप यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं लिख रहे, पैराग्राफ है, देखो पैराग्राफ को मिनिमम
पहले अगर आपको मिनिमम आप 5 से 8 लाइनों का रखो, ठीक है, समान आला होगी। अब जरूरत वाला मुद्दा है, इसको पहले बताओ। ठीक है, कि न्यायपालिका का क्या ओपिनियन है, किस तरीके से। ठीक है, जरूरत का बेसिकली मुद्दा क्या है, जरूरत का मेन मुद्दा है न्यायपालिका का कि भाई आप समाज के अलग अलग कानूनों की वजह से, हमारा समाज से किसी एक वर्ग विशेष का, समाज के किसी एक वर्ग विशेष का बड़ा शोषण होता है, स्पेशली महिलाओं का, क्योंकि तो समाज की सारी प्रथाएं बनी है, जो अलग अलग समाज में बनी हुई, हर प्रथा है मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक सत्ता के आधार, पितृ पैट्रियार्की थॉट के आधार पर बनी है, और पैट्रियार्की थॉट हमेशा महिलाओं को इन्फीरियर रखेगा, द्वितीयक रखेगा। और ऐसी स्थिति में अब समय आ गया है कि भाई महिलाओं के साथ समानता की जाए, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक गरिमा है, सम्मान है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। अब सम्मान और गरिमा को बनाए रखने के लिए हर देश समाज के अलग अलग कानून है, उसमें अच्छाइयां लाई जाए और हर कानून को एक रूप दिया जाए, यही न्यायपालिका का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये बात कैसे में कि कैसे लागू की जाए, पैराग्राफ में दीजिए, ऐसे मत लिखो, कैसे उठा सकते हैं ना। अब इसमें विधि आयोग की वो बता सकते हैं कौन कौन सी उसकी सिफारिश है। सही है, पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट अच्छा है भाई, इसको लागू किस तरीके से करना चाहिए। देखो आपने, अच्छा अब आपको चीजें बता देता हूँ, आपका प्लस पॉइंट क्या है। देखो आपके पास कंटेंट है, परंतु उसका प्रस्तुतिकरण ऐसे की मांग के अनुसार नहीं किया। ऐसे की मांग का मैंने फ्लो बता दिया कि ये क्या है, क्यों जरूरत है, उसके लिए आप जो नीचे आपने लिखे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो भी है उनको ऊपर लेके आओ, फिर कैसे, फिर आपने नीचे आपने तरीके बताए उनको लिखो, फिर चुनौतियां आएंगी, उन तो चुनौतियां जो आपने फर्स्ट फर्स्ट लिखी थी उनको पहले लेके आएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, देखो आपने जो चीज यहां लिखी है कि भाई हमारे इसकी जरूरत क्यों है, देखो चुनौती वाला पॉइंट पकड़ा है आपने, चुनौती वाले को ले जाओ सबसे लास्ट, ये इस तरीके से लिखना है, इस तरीके का फ्लो में आपको लिखना है, बाकी कंटेंट में आपको कोई कमी नहीं है, आपके पास जो नॉलेज है उसके आधार पर एसएसओ को बहुत अच्छे लिख सकते थे, बस सीक्वेंस बनाओ। ठीक है, लो बना, बाकी यहाँ कंटेंट कोई कमी नहीं है, ठीक है। एक और निबंध है समान नागरिक संहिता में, मैंने बता दिया क्यों बात है, ये क्या, बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही बात है, ये वाली पॉइंट ठीक है, आपने क्या बता दिया, ठीक है, वही आने वाले समय में समान नागरिक जैसे मुद्दों पर आपसे टकराव उभर कर सामने आई, उसकी प्रतिनिधित्व करते हैं, हालांकि समान नागरिक संहिता पक्ष देखो, अब ठीक है अभी तक ठीक है, मैं समझ गया, समान आय संहिता दिन तक आई है, समान है ठीक है, पहले तक की जब तक समान आय संहिता नहीं केवल लागू, सबसे पहले मेरे भाई आपको बतानी है समान आय संहिता क्या है। फिर क्यों, फिर कैसे, और फिर चुनौती, आप लोग चुनौती पहले क्यों बता देना चाहते, चुनौती बहुत बाद में आती है, जो मुद्दा चल रहे हैं, जो इसका मेन डिस्प्यूट है वो बाद में आएगा। ठीक है,
अब ये क्यों क्यों वाले टॉपिक में भाई जरूरत क्यों है? ठीक है, आप क्यों वाले टॉपिक डिस्कस पसंद करते हैं अमेरिका के देश में? ठीक, अच्छा है, परंतु इसको यूसीसी की आवश्यकताओं के साथ जोड़ो। ठीक है, आर्टिकल ट्वेंटी वन। दूसरी बात, एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट फोकस कर रहा है कि संवैधानिक नैतिकता को वरीयता दी जाए। सामाजिक नैतिकता से संवैधानिक नैतिकता का मतलब होता है संविधान के नियम, संविधान की स्वतंत्रता, न्याय, व्यक्ति गरिमा, ये संविधान उनको वरीयता दी जानी चाहिए बजाय बजाय सामाजिक बंधन, सामाजिक रूढ़िवादिता। सामाजिक बंधन, सामाजिक रूढ़िवादिता, ये तो क्या है, ये सब क्या है, ये समाज की नैतिकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का फोकस चाहे सरला मुदगल केस हो, चाहे साहेबानो केस हो, और चाहे आपका ये जो मंदिर है केरल का, जिस मंदिर महिला प्रदेश मतलब महिला प्रवेश निषेध है, इन सबरीमाला मंदिर वाला, सबरीमाला सबरीमाला मंदिर वाला मामला, सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों डिसीजनों में एक बात कॉमन बोली है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरल, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन द सोशल मॉरलिटी, क्योंकि सोशल मॉरलिटी सोशल बाइंडिंग से जुड़ी हुई होते हैं, उसमें सोशल ऑर्थोडॉक्स होते हैं, उसमें सोशल कॉन्ट्राडिक्शन होता है, इसलिए वो नॉट प्रोग्रेसिव होती है, उसका प्रोग्रेसिव नहीं होती। वही कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी ये रिलेवेंट है, ये प्रोग्रेसिव है, इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता पे ध्यान दिया जाता है, व्यक्ति के अधिकारों की बात की जाती है, व्यक्ति की गरिमा का ध्यान दिया जाता है। तो ये समान नागरिक संहिता की बजाय सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक नैतिकता पे ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, आप जरूरत बता रहे हो, अच्छी बात है, असमान विपक्ष का मतलब चुनौतियां। सही है, ये पॉइंट आपका अच्छे है। यदि हम विधि आयोग की रिपोर्ट को देखें तो समाज में आधारभूत परिवर्तन हेतु वही है, तत्काल रूप से लागू करना अनिवार्य नहीं है, बिल्कुल सही बात है, बाध्यकारी नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल समाधान, बिल्कुल पॉइंट कुछ जनता की जरूरत है, बिल्कुल सही बात है, ये पॉइंट अच्छा है आपका। दूसरा समाधान, ये बात भी अच्छी है आपकी, गुड पॉइंट। ये अच्छा है, अच्छा पॉइंट आपने अच्छे लगे। देखो ये हम ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात है कि एक निष्कर्ष में बात लिखना कि हमें संवैधानिक नैतिकता को बढ़ाना है, मेन पॉइंट है। तो अगर मैं आपकी बात बोलूं तो काफी चीजें आपके अच्छे, एक मिनट, तो आपका अगर प्लस पॉइंट होगा, आपकी समझ बहुत अच्छी है ना, एक तो अच्छी है, प्रयास अच्छा है, आयाम भी अच्छे हैं, समाधान वाले पॉइंट अच्छे हैं आपके, ठीक है ना। अब आपको फोकस किस पे करना है, हमेशा देखो फोकस किस पे करना है, आपको फोकस करना है सबसे बड़ी बात है, एक तो हिलो फेक सीक्वेंस सुधारो। एक थोड़ा सा अगर मैं आपको निष्कर्ष पे काम करूं, थोड़ा
ना, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करोगे फ्लो अपने आप बन जाएगा, सीक्वेंस भी अपने आप सुधर जाएगा, कंटिन्यूटी से टॉपिक के सारा आया होगा आपको चाह रहे हैं। ठीक है, इसका मैं मॉडल आंसर आपको शेयर कर दूंगा, आप देख लेंगे। तो इस तरीके से आपकी कॉपी चेक हो गई है, बहुत अच्छा लिखा है ऐसे में। और हम ऐसे और आंसर राइटिंग के लिए नेक्स्ट वीक एक हम कब बुधवार के दिन, अर्थात बुधवार होगा आपका 1 नवंबर से, बुधवार के दिन हम नया आंसर राइटिंग बैच है लॉन्च करेंगे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। इस बार हमारे आंसर राइटिंग की खास बात होगी थोड़ी सी, इस बार हम GS 1-1 की ही आंसर राइटिंग कराएंगे ताकि GS 1 का वो कंप्लीट हो जाए। इसके बाद हम GS 1 या GS 1 और 2 के ही क्वेश्चन लेंगे, और GS 1 और GS 2 के ही क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि कई बार लोगों को टॉपिक खत्म नहीं होता। और एक चीज और है, इस बार हम लोगों का वेट नहीं करेंगे मॉडल आंसर देने के लिए, क्योंकि हमारा पहले टारगेट ही था पिछली आंसर राइटिंग में कि लोग पहले लिखे, सभी के आंसर आ जाए, फिर हम मॉडल आंसर दें तो फायदा है। तो अब हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, डायरेक्टली रेगुलरली रेगुलरिटी से हम क्वेश्चन डालेंगे और हमारे टाइम से हम आंसर भी डाल देंगे, जिसको लिखना है वो लिखे, क्योंकि बहुत सारे लोग आंसर राइटिंग लिखते हैं, बहुत सारे लोग नहीं लिखते, लेकिन जो लिखेगा वो फायदा है। इसके साथ ही एनसीईआरटी सीसेट बैच भी हमारे साथ द्वारा चल रहे हैं, एनसीईआरटी के वीडियो जरूर देख लीजिए हमारे, जो भी आपके द्वारा मिले हैं आपको डेमो, तो एक बार देख कितना इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। इस बार के दो ऐसे टॉपिक, इस बार के दो ऐसे टॉपिक डायरेक्ट एनसीईआरटी, बताता हूँ, क्लास 7 की सिविक्स की एनसीईआरटी आए। अगर आपने क्लास 7 की सिविक्स की एनसीईआरटी पढ़ी है तो दोनों टॉपिकों को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे टॉपिक आपके ऐसे के समझने में, ऐसे का कंटेंट जानने के लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, साथ ही मेंस के आंसर राइटिंग और प्री के क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से आते हैं। प्लीज चाहे आप 2024 की दो, 2025 की दो, एक बार आप जरूर एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये गलती हमसे हुई है, हमने भी एनसीईआरटी को थोड़ा इग्नोर रखा, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे तो प्री में तो 100% कॉन्फिडेंट होकर जाओगे, मेंस में भी आप कॉन्फिडेंट होकर रहोगे, खाली बिल्कुल नहीं रहोगे, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में जरूर सेट आएगी। इसलिए प्लीज एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश करें, सीसेट को हल्के में ना लें, आंसर राइटिंग करते रहिए। कोई भी अगर डाउट है तो आपको बताइए। हमारे द्वारा एक प्री ओपन टेस्ट कंडक्ट किया गया था, उसका पेपर 22 अक्टूबर को लगा था, और उसकी आंसर की भी हमने अपलोड कर दी गई है। अब हम उसका रिजल्ट संडे तक निकालेंगे और उसका सॉल्यूशन भी संडे तक प्रोवाइड करवाएंगे। इसके बाद स्टडी विद कॉन्सेप्ट की ओर से फ्री ओपन टेस्ट सीसेट का भी लिया जाएगा, और ये आपके दीपावली के बाद वाले संडे पे लिया जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं इसको, कि कोशिश तो 5 नवंबर तक की थी इसको लेने की, लेकिन समय के अभाव की वजह से 5 नवंबर पे बिजी शेड्यूल है हमारा, इसकी वजह से उसमें अटेंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको हम 12 नवंबर को दीपावली उस टाइम नहीं ले सकते, तो हम इसको लेंगे नवंबर के 19 नवंबर को हम सीसेट का टेस्ट लेंगे, और उसके बाद हर सैटरडे संडे हम आप एक टेस्ट सीरीज आपके लिए चलाएंगे, उसको आपको ज्वाइन करना है, और आप प्री का ओरिएंटेड हो जाएंगे तो 19 नवंबर को हम सीसेट का आपके साथ टेस्ट लेंगे। और प्लीज सारी चीजों का फायदा उठाइए, देखो इस तरीके से हम कॉपी चेक करके आपको बता रहे हैं, अगर कोई डाउट हो पूछिए, मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि तो कितना ही अटेम्प्ट दिए हो, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे कि हमारे साथ, हम 4 टाइम दिए, अच्छे से पास हो गए, यूपीएससी हर बार पास होते हैं, बट रैंक इंप्रूवमेंट करने के लिए थोड़ा आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जो हमने नहीं हो पाती, क्योंकि आपको पता है सर्विस के साथ वो चीजें नहीं हो पाई, लेकिन प्लीज आप वो गलती ना करें, आप टाइम दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और रेगुलरली से हम कोशिश करेंगे आंसर राइटिंग आपको अपलोड करें। तो आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि आप सभी को ये पूरी तरह फायदेमंद होगा। आप जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे डिटेल आपको दी गई है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।